वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सदाम एडिटिंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। गाइज आज की इस वीडियो में बहुत ही कमाल की वीडियो एडिटिंग लेके आए हो, जो कि अभी आपने स्टार्टिंग पार्ट पर देखा या अभी चल रहे स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हो। तो जिस तरीके से आप भी अपनी वीडियो बनाना चाहते हो, इस स्काई में जैसे देख सकते हो, यहाँ पर मैं स्काई में लड़की का फोटो लगाया, इस तरह से आप भी लगा सकते हो अपने फोटो। तो गाइज इसके लिए आपको सबसे पहले अपने वीडियो को शूट कर लेने कुछ इस तरीके से, जैसे कि आपके स्काई जो है आपको कोई भी कलर कोई भी हो सकता है, बस आपको स्काई जो है ये कलर होना चाहिए कुछ इस तरीके से, जिस शाम के वक्त या सुबह के वक्त आप वीडियो को शूट कर लेने हो कुछ इस तरीके से। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो को जो है स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज इस वीडियो को एडिट करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में जो है कैन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा और न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके अपने वीडियो को जो है इसमें ऐड कर लेनी होगी। और ऐड करने के बाद यहाँ पर जो भी वीडियो का स्टारा पार्ट हुआ गाइज, इस स्टारा पार्ट को आपको स्प्लिट करके आपको डिलीट कर देनी होगी। तो मैं यहाँ पर सबको डिलीट करके रखा हूँ गाइज, ऑलरेडी देख सकते हो। तो गाइज इस वीडियो पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ स्पीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसको जो है कुछ इस तरीके से आपको स्लो मोशन में आपको कर देनी होगी अपनी वीडियो को। और यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद इसका जो इस तरह देख सकते हो आपको एक 3 डॉट देखने को मिल जाते हैं, इस पर क्लिक करके यहाँ से जो है डुप्लीकेट लेयर आपको कर लेनी होगी। और करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ी सी स्क्रॉल करना है, यहाँ स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करके इस वीडियो को जो है आपको फुल स्क्रीन में ऐड कर लेनी होगी। और यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद गाइस यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ से पूरी बैक आना है और यहाँ पर लेयर पर क्लिक कर देना है और मीडिया पर क्लिक कर देना है। जो भी फोटो बैकग्राउंड में स्काई में लगाना चाहते हो उस फोटो को यहाँ पर ऐड करनी होगी। तो मैं यहाँ पर जो है एक गर्ल्स के वीडियो जो फोटो जो है गाइस उसको मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। ऐड करने से पहले आपको यहाँ क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसको जो है कुछ इस तरीके से आपको क्रॉप कर लेनी है। और यहाँ से बैक आना है, इसका जो है कुछ इस तरीके से आपको फुल थोड़ी सी आपको बड़ा कर लेना, जूम करके कुछ इस तरीके से गाइस यहाँ पर देख सकते हो। और बड़ा करने के बाद गाइस यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक कर देना और यहाँ से जो है आपको सेंड टू बैक पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसका लेयर जो है गाइस जितना बड़ा वीडियो है उसकी बराबर में आपको कर देनी होगी। तो मैं यहाँ पर जो इसको बराबर में कर दिया हूँ। और करने के बाद यहाँ ये लेयर वाले वीडियो जो है इस पर आपको अपनी वीडियो पर क्लिक कर देना है, थोड़ी सी स्क्रॉल कर देना गाइस यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो क्रोमा की का ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसको जो है यहाँ से इनेबल कर देनी होगी। और करने के बाद गाइस यहाँ पर की कलर पर क्लिक कर देना है और उसको यहाँ से जो है ब्लू स्काई है तो इस ब्लू वाले आपको सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ से इसको जो है सेव कर लेनी होगी। सेव करने के बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हो ये जो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइस यहाँ पर जो आपको एडजस्ट कर लेनी होगी अपनी वीडियो के हिसाब से, जैसा आपका वीडियो है कुछ इस हिसाब से आपको इसमें एडजस्ट कर लेनी होगी जो कि देखने में अच्छा लगे। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। तो इसी तरीके से आपको भी कर लेने अपनी वीडियो के हिसाब से अच्छे से एडजस्ट कर लेनी होगी। ओके गाइज, तो करने के बाद गाइज यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद थोड़ी सी यहाँ पर देख सकते हो एड एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन देखने को मिल जाती है, इस पर क्लिक कर देना है। अपनी वीडियो को जो है कलर एडजस्ट थोड़ी सी आपको कर लेनी होगी अपने हिसाब से, जैसा आपका वीडियो है गाइज तो उस हिसाब से आपको कलर जो है इसमें एडजस्ट कर लेनी होगी, जो कि देखने में आपको वीडियो जो है काफ़ी अमेजिंग लगेंगे गाइज यहाँ पर देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं कर दिया हूँ गाइस। करने के बाद गाइस यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद गाइस यहाँ पर लेयर पर क्लिक कर देना, मीडिया पर क्लिक कर देना। एक इफेक्ट वीडियो जो है मैं आपको दे दूँगा, आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेनी होगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है गाइस। तो मैं उस वीडियो को जो है यहाँ पर एड कर लेता हूँ। सो गाइस देख सो तो मैं इस वीडियो को यहाँ पर जो है एड कर चुका हूँ। एड करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ी सी स्क्रॉल करना है, यहाँ पर देख सकते हो स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करके इसको जो फुल स्क्रीन में ऐड कर लेनी होगी। ऐड करने के बाद गाइस यहाँ से बैक आना है और थोड़ी सी स्क्रॉल करना है गाइस, यहाँ पर देख सकते हो ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, उसको जो है यहाँ से स्क्रीन कर देनी होगी। करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद गाइस यहाँ पर ये वीडियो जो है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे अभी गाइस। तो गाइस आपको क्या करना होगा, यहाँ पर लेयर पर क्लिक कर देना है और यहाँ इफेक्ट पर क्लिक कर देना है और एक कैन मास्टर का जो स्टोर है गाइस इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ मास्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और लेन एयर का मास्क जो है गाइस इसको आपको डाउनलोड कर लेनी होगी। तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ। तो मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ, उसको जो यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो गाइस यहाँ पर थोड़ी सी स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पर मेरे जो लेन एयर का मार्क्स है उसको आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फिर यहाँ से क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से बैक आ जाना है गाइस। बैक आने के बाद इसका जो सेटिंग है गाइस इस पर क्लिक करके इसका जो फेडर जो है कुछ इस तरीके से मैं बढ़ा देता हूँ। बढ़ाने के बाद गाइस यहाँ से बैक आना है, थोड़ी सी इसको बड़ा कर लेना है
और नीचे में एडजस्ट कर लेने होंगे कुछ इस तरीके से गाइस, जो कि देखने में अच्छा सा लगेगा। और इस लेयर का जो है जितना बड़ा वीडियो है उसके बराबर आपको कर देनी होगी, तो मैं यहाँ पर जो इसको कर देता हूँ, देख सकते हो गाइस मैं यहाँ पर कर चुका हूँ। करने के बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हो ये वीडियो जो है फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइस ये वीडियो जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे गाइस। तो गाइस अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ दिल से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर जरूर से सेलेक्ट कर लीजिए गाइस। इस तरह की वीडियो आपको हमेशा इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। तो गाइस इस वीडियो को सेव करने के लिए आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और यहाँ सेव वीडियो पर क्लिक करेंगे ये आपके गैलरी में जो है सेव हो जाएंगे।